हार्ड अबाउट नेम्स ऑफ सच ऑर्गन्स वेलकम टू एस चांद अकेडमी माइनेम इज आदित्य एंड वी आर लुकिंग एट कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेड्स हम वर्टिब्रेड्स की कंपेरेटिव एनाटॉमी इन वीडियोज में देख रहे हैं जो कि आपके जुलॉजी के सेमेस्टर टू को बिलोंग करते हैं अगर आप इस टॉपिक के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की बुक को रेफर कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव हार्ड कॉपी ऑफ दिस बुक then the link for the ebook has been given in the description box. Comparative anatomy of respiratory systems. ab अब तक के videos mein में हम लोग system सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी बातें कर चुके हैं कंपेरिजन देख चुके हैं और अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने के लिए जो सिस्टम बना है उसके बारे में बात करेंगे सो वी विल स्टार्ट विद सम फंडामेंटल फीचर्स कुछ बेसिक फीचर्स से हम शुरुआत करेंगे एनाटोमिकल फीचर्स जो कि रेस्पिरेशन के हैं Respiratory system is mainly involved in the intake of air, which is required for oxidation. We all know, whatever food we take, that is eventually absorbed, and the smallest elementary molecules like glucose or other carbohydrates need to be oxidized for energy production. So, that process of oxidation to generate energy for body functions is a part of respiration. In fact, रेस्पिरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं सांस लेना और सांस निकालना और दूसरा जो है उस ऑक्सीजन का जब अपटेक होता है तो वो किस तरह से बॉडी में जाकर न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी दैट इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ रेस्पिरेशन इसीलिए सारे ऑर्गेनिजम्स को रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है इसीलिए उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज वी नीड टू ऑक्सीडाइज दोज मॉलिक्यूल्स फॉर जनरेटिंग एनर्जी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम उसी सिस्टम का नाम है जो इन सारे प्रोसेस में पर्टिकुलरली ब्रीदिंग अपटेक ऑफ गैसेस एंड एक्जलेशन ऑफ गैसेस इन चीज़ों में मदद करता है बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं हम इनके बारे में देखेंगे कि अलग अलग टेक्सॉन्स में अलग अलग फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स में कौन से ऑर्गन्स रेस्पिरेशन में मदद करते हैं पर्टिकुलरली लंग्स की अगर हम बात करें जो हमारे अंदर भी हैं जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले लंग्स में एयर जाती है वो लंग्स ग्रेजुअली इवॉल्व हुए हैं फ्राम गिल्स इफ़ यू रिमेंबर डिस्क्रिप्शन ऑफ पाइसीज फिश का डिस्क्रिप्शन अगर आपको ध्यान होगा तो गिल्स से लंग्स uh, डेवलप हुए हैं हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे लंग्स की इमरजेंस हुई और किस तरह से वो डेवलप हुए क्या उनकी ज़रूरत थी इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा ऑल्सो ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड जो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स थे मरीन लाइफ फॉर्म्स थे क्योंकि लाइफ औरिजिनेट हुई वाटर में और उसके बाद वो टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स डेवलप हुई तो ये जो ट्रांजिशन था वाटर टू लैंड दैट वाज वन ऑफ द मेजर ड्राइविंग फोर्सेस दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लंग्स सो इन्हीं सारी बातों के बारे में डिस्कशन इस वीडियो में किया गया है हम कंपैरेटिव एनाटॉमी की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट ह्यूमन्स में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कौन सा एवोल्यूशनरी पाथ लेकर डेवलप हुआ है सो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो मेजर रेस्पिरेटरी कंपोनेंट्स हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर उनके चार एग्जांपल्स हैं चार तरह से रेस्पिरेशन किया जा सकता है चार चीज़ें हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इन द अर्लियर वर्टिब्रेट लाइक पाइसिस और फिशेस यू विल प्रोमेंटली फाइंड गिल्स एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट यू शुड ऑल्सो नो आपको ये भी पता होना चाहिए कि गिल्स केवल फिशेस तक लिमिटेड नहीं है हमने शुरू में जो बात की थी हग्जले ने जो कहा था ऑन्टोजेनी रिकैपिटलेट्स फाइलोजेनी वो बात यहाँ एप्लीकेबल होती है और हम देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इवन मैमल्स दे हैव प्रिमिटिव गिल लेट्स और एम्फीबियंस में तो इनफैक्ट उनकी जो लार्वल स्टेज होती हैं उनमें एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट भी होते हैं सो यू कैन फाइंड गिल्स इन मैनी मोर ऑर्गेनिजम्स बियॉन्ड फिश

रोल प्ले करता है और वो स्किन से रेस्पायर करते हैं बिसाइड्स दैट हैव अदर ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। देन एयर ब्लाडर्स दे कैन आल्सो बी कॉल्ड स्विम ब्लास दीज आर इंटरेस्टिंग ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन फिश कुछ फिश में ये प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर एनालॉगस टू आर लंग्स ये एयर को इकट्ठा करने के काम आते हैं तैरने में भी मदद करते हैं फिश को लेकिन ये एक इंस्पिरेशन है ये एक सोर्स है या आप कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक है जब मरीन लाइफ लैंड पर आई तो शायद लंग्स के डेवलपमेंट में इन रूडिमेंट्री एयर सेक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा इवन इन बर्ड्स यू हैव एयर ब्लाडर्स विच हेल्प दम इन द फ्लाइट तो हम इनकी बात भी करेंगे और फाइनली वी हैव लंग्स विच आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द टैक्सॉन्स दैट इंक्लूड्स रेप्टाइल्स एम्फीबियंस एंड मैम्स एंड एंड ऑल्सो इन एव्स दैट इज बर्ड्स तो इन सारे केसेज में लंग्स होते हैं वट इज़ द डिफरेंस इन दनाटॉमी ऑफ लंग्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की लंग की एनाटॉमी डिफरेंट होती है उनका जो तरीका होता है काम करने का उनका जो शेप और साइज होता है वो वेरी करता है इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे सो लेटस स्टार्ट अवर डिस्कशन हम अपना डिस्कशन जो है वो गिल्स से शुरू करते हैं आपने आ, फिश तो आई थिंक सभी ने देखी होगी आपने देखा होगा कि फ़िश में माउथ के एडजेसेंट उसके नज़दीक कुछ एक ओपनिंग्स होती हैं एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर आपको ध्यान होगा कि फ़िश में ये जो ओपनिंग्स हैं ये इनफैक्ट नेचर ऑफ़ फ़िश यानी कि जो उसकी कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी उनसे वेरी करती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इलास्मोब्रैंक्स यानी कि काटलेजनियस फ़िश की बात करें तो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम गिल्स कहते हैं लेकिन ये गिल्स ओपन होते हैं इनके ऊपर कोई लिड नहीं होता है कोई कवर नहीं होता है जबकि बोनी फिशेज में इन्हीं के ऊपर कुछ कवर्स लगे रहते हैं ये कवर्ड होते हैं गिल्स दे आर कवर्ड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ लिड विच इज कॉल्ड एज ओपर कुलम सो वी कैन से गिल्स माइट आइदर बी ओपन और दे माइट बी क्लोज टिलोएस्ट फिश यानी कि बोनी फिश में ये कवर्ड होते हैं जबकि इंक्लूड शार्क स्केट्स और रेज इनके अंदर ये ओपन होते हैं तो जहां से इनकी ओपनिंग्स होती हैं जो इनके ओपन क्लेफ्ट दिखाई देते हैं उनको हम नाम देते हैं गिल स्लिट्स का स्लिट बेसिकली क्या होती है किसी मटेरियल में एक छोटी सी ओपनिंग जिससे कुछ चीज आर पार जा पाए उसे हम स्लिट कहते हैं सो so, वो ओपनिंग जिससे वाटर फ्लो कर सकता है अंदर और बाहर जा सकता है जिसके थ्रू एब्जॉर्ब्शन होता है गैशियस uh, एक्सचेंज होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज स्लिट एंड इफ यू रिलेट दिस विद द प्रीवियस लेक्चर अगर आप इस चीज़ को पिछले लेक्चर से रिलेट करें अब तक जो हमने स्केलेटल सिस्टम की कंपेरेटिव एनाटॉमी देखी थी उसमें हमने देखा था कि इन गिल्स के दोनों तरफ कुछ सपोर्टिंग एंडोस्केलेटल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है यू शुड रिमेंबर द नेम उनका नाम आपको ध्यान होगा दे आर कॉल्ड एज branchial arch okay branchial uh, branchial arch may also be called as फेरेंजियल आर्ट्स इन द हायर ऑर्गेनिज्स और दे में भी कॉल्ड एस विसरल आर्च इन दायर ऑर्गेनिजम्स तो ये एक बोनी या काटलेजनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन गिल्स के दोनों तरफ इनको सपोर्ट देने का काम करते हैं और ये आगे चल कर जॉ एंड हेड के स्केलेटन बनाने में मदद करते हैं तो ये तो एक दूसरी बात थी लेकिन इस लेक्चर में हमारा जो फोकस है दैट इज बेसिकली ऑन डीज पार्ट्स रेस्पिरेटरी पार्ट्स विच आर कॉल्डज गिल्स

इन गिल्स के दोनों तरफ पाउचेस होते हैं और इनको गिल पाउच कहते हैं इसलिए इन गिल्स को आप पाउच गिल्स भी कह सकते हैं सो वन कैटेगरी ऑफ गिल्स इज पाउच्ड गिल्स विच इज फाउंड इन लैम्प्रे और अर्ली फिश फिश यू कैन से, देन यू हैव सेप्टल गिल्स यानी कि गिल्स जो है सपोज दिस इज अ गिल दिस विल हैव एन एक्सटेंडेड सेप्टम बट दे विल बी ओपन दे विल नॉट बी कवर्ड बाई एनीथिंग वो कवर्ड नहीं होंगे ओपन होंगे तो इनको ओपन गिल्स या फिर सेप्टल गिल्स भी कहा जाता है विच आर प्रेजेंट इन इलास्मो ब्रांड्स ऑन दी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट बोनी फिश अगर हम बोनी फिश की बात करें तो इन गिल्स को नाम दिया जाता है ओपरकुलर गिल्स वाई दे आर कॉल्ड एस ओपरकुलर गिल्स एज आई मैंशन इनके गिल्स एक एक्सोस्केलेटनस कंपोनेंट से कवर्ड होते हैं जिसको हम ऊपरकुलम कहते हैं ऊपरकुलम इज़ द कवरिंग और अ लिड एक ढक्कन की तरह इनके ऊपर कवर्ड रहता है इसीलिए आप ज़्यादातर फिश के जो गिल्स हैं वो देख नहीं सकते हैं एक्सटर्नली बट शार्क एंड अदर इलास्मो ब्रैंड इनके गिल्स आसानी से दिखाई दे जाते हैं तो तीसरे टाइप के गिल्स हैं ऊपर कुलर गिल्स और क्लोज्ड गिल्स एंड द फोर्थ टाइप ऑफ गिल्स विच मे नॉट बिलोंग टू फिश

रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है एंड दे प्रोवाइड सोर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने शुरुआत में भी बात की थी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को गैसेस की जरूरत होती है पर्टिकुलरली ऑक्सीजन की जरूरत होती है सो so, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो एटमॉस्फेरिक एयर कंज्यूम करते हैं उसमें से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और बाकी बची हुई गैसेस को एक्सेल कर देते हैं दैट द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन बट ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इन वाटर जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ से एयर लेते हैं तो यू शुड नो दैट वाटर इज ऑल्सो अ रिजर्वायर ऑफ गैसेस पानी में भी गैसेस डिजोल्व हो सकती हैं उनकी सॉलिबिलिटी होती है सेम इज ट्रू फॉर ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी पानी में डिजोल्व होती है लेकिन ये अलग बात है कि एटमॉस्फेयर में जितनी ऑक्सीजन होती है उसके कंपैरिजन में पानी की ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है बट दैट इज़ गुड इनफ फॉर सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक फिश इनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो काफ़ी है तो so जनरली अगर हम एक पर्टिकुलर सिंगल गिल की अनाटमी देखें तो हम देखेंगे कि गिल में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं इट इज़ सपोर्टेड बाई अ मिडल इंटरब्रांकील सेप्टम इंटरब्रांकील सेप्टम होती है इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो लेमिला के बीच में है एंड वाट आर दीज लेमिला ये लेमिला जो है ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं एक हायर सरफेस एरिया जैसे लंग्स में आप एलविलाई जानते हैं एलविई प्रोवाइड अ लार्जस्ट सर्फेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज सिमिलरली यू कैन से दीज आर द एरियाज विच आर प्रोवाइडिंग द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड एंड बिटवीन दैट दर इज अ गिल रे एक रे है विच में बोनी स्ट्रक्चर और इट मे बी अ कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर एंड एडजस्टेंट टू द लेमिला लेमिला के ही एडजस्टेंट क्या हैं गिल आर्टरीज हैं सो दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन आर्टरीज विल बी लाइक दिस एंड एज सुन एज एयर विल एंटर दीज लैमिला और गिल दैट ऑक्सीजन और एयर विल बी टेकन अप एंड इट विल बी लेटर ऑन ट्रांसफर टू दिज वैसल्स ये इन वेसल्स में चली जाएगी एंड थ्रू दैट इट कैन बी सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सकती है बिसाइड दैट देर कैन बी अ फ्लैप वॉल्व एंड इफ इट इज अ बोनीफिश दिस एंटायर गिल विल बी कवर्ड बाई ओपरकुलम ये ऊपरकुल से कवर्ड रहेगा अगर ये बोनी फिश है नो यूजली अगर आप फिश को देखेंगे तो किसी भी फिश में नॉर्मली मैं कहूंगा कि पांच गिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं वन टू थ्री फोर एंड दीज गिल्स विल हैव दिस काइंड ऑफ सेप्टम ऑन बोथ द साइड्स इस तरह के लैमिला दोनों तरफ होंगे बट दिस पार्ट विल हैव ओनली हाफ ऑफ द गिल यू कैन से एक ही तरफ लेमिला है इसमें सो so, बेसिकली जो ये कैविटीज हैं जो क्लेफ्ट आप कह सकते हैं टोटल पांच कैविटीज होंगी एक फिश में एक साइड में, अदर साइड बी इवन मोर फाइव कैबिटीज बट इफ़ यू लुक एट द नंबर ऑफ और टाइप ऑफ गिल्स सम ऑफ़ द गिल्स विल हैव दीज फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स और दीज लेमिले लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन बोथ द साइड्स बट द टर्मिनल वन जो किनारे पर गिल हैं दे विल जस्ट हैव लैमिला ऑन ओनली वन साइड सो ऑन दैट बेसिस वी जनरली डिफाइन द नेम्स ऑफ दीज गिल्स इनको नाम दिया जाता है द वन दैट हैज ऑन ओनली वन साइड लैमिला एक ही साइड में होते हैं उनको हेमी ब्रैंक या डेमी ब्रैंक बोला जाता है जबकि जिनमें दोनों साइड में लैमिला प्रेजेंट होते हैं उनको होलो ब्रैंक बोला जाता है सो दिस इज हाउ गिल्स आर अरेंज्ड यूजअली एज आई टोल्ड यू देर आर फाइव गिल क्लैफ्ट इस तरह की पांच गिल क्लैफ्ट होती हैं विच आर सपोर्टेड बाई सिक्स टू टेन डिफरेंट गिल्स एंड दे आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड एंड यू ऑलरेडी नो द डिफरेंस

सो यू नो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि जो माउथ है दैट एंड्स अप इन फेरिंग्स माउथ का जो नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो फेरिंग्स होता है हमारे शरीर में फेरिंग्स खाना खाने के एनगल्फमेंट के काम आता है लेकिन फिश में यही फेरिंग्स सपोज दिस इज माउथ देन देर इज अनदर पार्ट विच इज़ फेरिंग्स दिस विल बी कनेक्टेड टू द एलिमेंट्री कैनाल ये एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड होगा तो फूड एंड वाटर बोथ कैन बी टेकन अप बाई दिस पार्ट बट सिंस वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर रेस्पिरेशन पानी को रेस्पिरेशन के लिए भी यूज किया जाता है डिजॉल्व एयर इज ऑल्सो टेकन अप सो दिस वाटर थ्रू द फेरिंग्स विल भी इवेंचुअली डाइवर्टेड टू गिल्स ज्यादातर पानी जो है वह गिल्स में डाइवर्ट कर दिया जाएगा ताकि उस वाटर से एयर को एब्जॉर्ब कर लिया जाए एंड यू नो देट गिल्स हैव लॉट ऑफ लैमिलेज यू कैन सी हेयर प्राइमरी लैमिले एंड देयर इज अ ब्रैंकियल आर्क आर्क वो एक मजबूत स्ट्रक्चर है एंडोस्केलेटन का जो गिल्स को सपोर्ट करता है तो ये जब वाटर इसके थ्रू फ्लो होगा देन दिस फ्लोइंग वाटर विल बी एक्सचेंजिंग द एयर इन द एरियाज ऑफ द गिल्स एंड देन ऑक्सीजन विच विल बी ट्रैप्ड विल बी इवेंचुअली ट्रांसफर टू दिज आर्ट्रीज इन आर्ट्रीज में ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाएगी एंड इट विल बी सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू हाव गिल बेस्ड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस गिल से कैसे रेस्पिरेशन होता है और फिश में किस तरह से गिल्स वेरी करते हैं अक्रॉस डिफरेंट टेक्सॉन्स ना दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग ये काफी इंटरेस्टिंग बात है विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द ट्रांजिशन फ्रॉम गिल मोड ऑफ रेस्पिरेशन टू लंग मोड ऑफ रेस्पिरेशन द एग्जैक्ट रीजन इज नॉट नोन वाई सम ऑफ द फिश स्टार्ट रेस्पायरिंग थ्रू एयर बट इट इज ट्रू ये बात ऑब्जर्व की गई है कि कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो पानी से सांस ना लेकर टाइम टाइम पर पानी से बाहर निकलती हैं और एयर से सांस लेती हैं दीज आर कॉल्ड एज लंग फिश कॉमनली इनको लंग फिश कहा जाता है सम ऑफ द रिसर्चर्स दे हैव हाइपोथिस दैट इन अर्ली टाइम्स वेन फिश डेवलप्ड ट वॉज डिवोनियन पीरियड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेज उस टाइम पर शायद वॉटर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा शैलो थे और ग्रेजुअली मार्शी हो गए और उनमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो गई कंपेयर टू एटमोसफियर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दॉटर वॉज लेस दैन वन परसेंट जबकि एटमॉस्फेयर में करीब 20 परसेंट ऑक्सीजन थी तो इनको ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल करने के लिए दे ग्रेजुअली अडॉप्टेड टुवर्ड्स रेस्पायरिंग फ्रॉम एन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर एंड दे स्टार्टेड कमिंग आउट थोड़ी देर के लिए ये बाहर आती थी सरफेस पर वाटर के अपना मुँह बाहर निकालती थी और एयर को अंदर ट्रैप कर लेती थी बट नाउ दे शुड ऑल्सो हैव सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर ट्रैपिंग दैट एयर गिल्स के नॉट होल्ड एयर फॉर लॉन्ग टाइम सो दे इवाल्व विद वेरी इंपॉर्टेंट फीचर एनाटोमिकल फीचर विच इज कॉल्ड एज एयर ब्लैडर और एयर चैम्बर्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्विम ब्लैडर्स कुछ फिश में ये स्विमिंग की आ, काम आते हैं ओरिजिनली ये स्विमिंग के लिए ही बने थे ताकि उसमें एयर भर जाए और वह स्विम कर सकें लेकिन इन्होंने एवोल्यूशन के दौरान उन स्विम ब्लैडर्स को डेवलप किया सांस लेने के लिए ना वट हैपन्ड एयर वॉज ब्रीथड इन ये सांस जो है जब अंदर लेते थे एयर को अंदर एक्सपायर करते थे यह फिश तो इस एयर ब्लैडर में एक एंटीरियर चैम्बर होता है एयर ग्रेजुअली यहाँ आती थी और फिर फाइनली पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम से ये इस एंटीरियर चैम्बर में इकट्ठी हो जाती थी एंड वेन दीज फिशेस दे एक्सेल्ड ऑल दी कार्बन डाइऑक्साइड जब बाकी शरीर से पूरी कार्बन डाइऑक्साइड इस चैम्बर में पोस्टीरियर चैम्बर में इकट्ठी हो जाती है तो ये इसको बाहर भेज देते हैं बाई एक्सपीरेशन एस्पिरेशन एंड सिंस द पॉजिटिव प्रेशर स्टिल प्रवेल्स यहाँ पर क्योंकि एक प्रेशर क्रिएट हुआ है सो so इस एरिया में यानी कि एंटीरियर चैम्बर में भरी हुई एयर इस पोस्टीरियर चैम्बर तक आ जाती है और वो डिफ्यूज़ होकर बॉडी के बाकी पार्ट्स तक चली जाती है सो दिस वॉज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्ट्राइकिंग इन दी कंपेरेटिव एनाटोमी एंड एवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर ऑर्गैनिजम्स मेड और माइ हैव मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड यही वो पहले ऑर्गेनिज्म थे जो शायद पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आकर रहने के कैपेबल थे एंड दे वर काइंड ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड फिश विच इज डायरेक्टली एविडेंट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मोड ऑफ रेस्पिरेशन सो हियर यू कैन फाइंड द इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन दैट हैज बीन इलस्ट्रेटेड

लंग फिश एग्जिस्ट करती हैं जो हवा से सांस लेती हैं पानी के सरफेस पर आकर उनको सांस लेना पड़ता है सो ड्यू टू द स्केरसिटी ऑफ द फूड और लेस अवेलेबिलिटी दे माइट हैव मेड अर्ली ट्रांजिशन ऑन टू द लैंड एंड दैट माइट हैव क्रिएटेड अर्ली एम्फीबियंस तो ये जो रेस्पिरेटरी स्विच है एम्फिबियंस बनने का दिस इज एविडेंट फ्राम द कंपेरेटिव एनाटोमी एंड देन दे मूव और डाइवर्सड इन टू एंड एव्ज एंड फाइनली वी हैव So, this is directly attributed to a possibility of presence of a dual pump or gill like system, and then we had a buccal pump, that means we had a bladders through which the air circulation started, and then there was a specialization in the buccal pump, followed by the aspiration pump, the suction of the air started, and we have well developed lungs in the mammals. So, this was the story of development of lungs from the gills, but having said that, you should also know. Even early amphibians or embryos of amphibians do have gills, which are called as external gills, which shape or size Do you know about uh, a frog which have lot of hairs or hair-like structures in its back? Do you know that these are used for respiration? So, where these frogs are found? Have you ever heard about those frogs?

पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से सो जस्ट स्टे कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाएं वेलकम बैक टू अशांत अकेडमी ब्रेक से पहले हमने फिश और एम्फीबियंस की बात की थी उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रांजिशन की बात की थी अब हम एम्फीबियंस के रेस्पिरेशन के बारे में और डिटेल देखेंगे और एक क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने कि इज़ देयर एन ऑर्गेनिज्म विच रेस्पायर्स थ्रू स्किन एंड दैट हैज़ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स सो देर इज अ फ्रॉग अफ्रीका के जंगल्स में एक हेरी फ्रॉग मिलता है दिज आर नॉट एक्चुअली हेयर्स बट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कैपेबल ऑफ डूइंग रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन करने के कैपेबल हैं। सो वन स्ट्राइकिंग फीचर दैट वाज डिफरेंट इन एम्फीबियंस इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशनल एनाटोमी दैट दे वर कैपेबल ऑफ रेस्पायरिंग थ्रू स्किन क्योंकि जो फिश से एम्फीबियंस का ट्रांजिशन हुआ दैट हैपन टू क्विकली पॉसिबली ड्यूरिंग द डिबोनियन पीरियड और आफ्टर दैट एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड दीज ऑर्गेनिजम्स हैड डूअल वे ऑफ लिविंग लाइफ दैट्स वाई देअर कॉल्ड एज एम्फीबियंस एम फी बी आई मीन्स लिविंग एट टू प्लेसिस वाटर एज वेल एज लैंड दे माइट हैव ऑलरेडी लॉस्ड देयर गिल्स अपने गिल्स पहले ही खो चुके थे दे आर ओनली प्रेजेंट इन द रूडीमेंट्री फॉर्म इन दी एम्ब्रिय सो दे माइट हैव टू डेवलप अन अदर वे ऑफ एब्जॉर्बिंग एयर और एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन स्पेशली वेन दे आर इनसाइड दाटर जब वो पानी के अंदर हैं तब उनके पास एक अलग मैकेनिज़्म है और या फिर जब वो ऐसे एरियाज़ में हैं जहाँ वो ब्रीथ नहीं कर रहे हैं लंग्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं सो क्यूटेनियस मोड ऑफ़ रेस्पिरेशन वॉज वेरी वेरी प्रेविलेंट इन दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड डिपेंडिंग ऑन द साइज कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमने इस हेरी फ्रॉक की बात की तो इसके हेरी फ्रॉक जो है इसके बैक uh, पोर्शन में जो फिंगर लाइक पेपिले होते हैं दीज आर नॉट हेयर्स यू शुड नॉट कन्फ्यूज देम विद मेमेलियन हेयर्स दे आर जस्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स Which provide a lot of surface area and they are all covered with mucus so that a lot of oxygen or air can be absorbed through those, through those areas. Now, I have already mentioned to you that air contains oxygen and any molecule of gas is capable of diffusing across the concentration gradient. If concentration or and concentration is then diffusion Our skin is also capable of. हैविंग दिस डिफ्यूजन हमारी स्किन से भी डिफ्यूजन हो सकता है बट अनफॉर्चुनेटली सिंस वी हैव हाईली ड्राइड स्किन कंपेयर टू दोज ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो वी हैव कैरेटनाइज सर्फेस वेर वी हैव डेड सेल्स दर्वीएबिलिटी ऑफ एयर डिक्रीज तो जो परसेंटेज है एयर की जो हम यहाँ से अब्जॉर्ब कर सकते हैं या यहाँ से जो निकाल सकते हैं दैट इज नॉट इनफ फॉर आर बॉडी टू सस्टेन सो यू कै नॉट इमेजिन दैट ऑर्गेनिजम लाइक ह्यूम और लार्ज मैमल विल भी कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग देअर ऑक्सीजन डिमांड्स जस्ट बाई स्किन देर फो वी हैव स्पेसलाइज्ड ऑर्गन बट दिस स्मॉल क्रीचर्स कैन डू दैट इनका साइज इनका बॉडी की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है दैट इज अनफ एंडट कैन भी मेड मेड बाई द क्यूटेनियस रेस्पिशन सो दे केन इवन सर्वाइव इन द मार्शी एरियाज एक मड में या मार्श में अंदर जा कर भी ये रह सकते हैं जहाँ इनके पास सीधे सीधे गिल्स यूज नहीं कर रहे हैं रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं सो यू कैन फाइंड फ्रॉग्स डीप बरी डीप इन टू द मर्ड एंड नॉट इवन कमिंग आउट फॉर ब्रीदिंग सो दैट इज़ अ यूनिक मैकेनिज्म विच वॉज फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स एंड इफ यू लुक एट दारवल ऑर्गेनिजम्स मोस्टली इन दीज ऑर्गेनिजम्स द डेवलपमेंट ऑफ योग सैक वॉज अनदर फीचर जो कि हम आगे भी देखेंगे मैम उसमें भी हमने बात की थी योग सैक डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी एसोसिएटेड है सो दिस ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इन अर्ली एम्ब्रिय अर्ली एम्ब्रियोज में ये गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है ना आफ्टर एम्फीबियंस इफ यू गो टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रीड्स दैट इज एवस और बर्ड्स सो वी हैव समथिंग इंटरेस्टिंग इन एव्स एक अलग चीज जो एव्स में है दैट इज देयर एरबोरियल लाइफ फॉर्म्स एंड वी नो दैट फॉर एरबोरियल लाइफ फॉर्म्स देर बॉडी हैजू बी लाइट वेट बॉडी को लाइट वेट होना पड़ेगा So, along with the respiratory modifications, they adjusted their lungs and other respiratory parts which are suitable for making them lightweight and flying in the air. So, that was the diversification and further improvement in the lungs. In of lungs, hote hai, they are also called as uh, air sacs, they are supported with air sacs, in fact. So, let me just describe you in a brief that how lungs of birds are different. Than the lungs of other organisms. So, usually we have these kind of pouches which are connected with a system that is called as trachea. Okay? Most of the mammals will also have this kind of arrangement of lungs. So, through the nostrils or mouth, air might go into this part which is called as trachea. So, with the help of trachea, the air goes. Trachea is a part of air pipe which is uh, persisting in the neck. So, if the neck is long, the trachea would be long, especially in the organisms like cranes, birds like cranes. Now, this air will eventually go into lungs. So, we will see in some time that mammals may lungs they facilitate the two-way transport of the gases mostly simultaneously. In fact, oxygen can come in. And carbon dioxide can diffuse out oxygen and the hai, or CO2 at the same time, can diffuse out into the lungs. So, there is a bi-directional flow. But in the lungs of birds, which are specialized for flying as well, these lungs are mostly connected with another part or chambers which are called as air sacs. They not only fulfill the purpose of respiration by lungs but they have another purpose solved by the lungs and respiratory system that is making their body lightweight. So that makes the respiratory system of birds unique. They have air sacs in which air would go and get filled. So you might have sometimes unidirectional flow of the air upper unidirectional flow the and you can see the detailed anatomy detailed anatomy, देखने को मिल सकती है लंग्स की इफ यू लुक एट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देन लंग्स विल लुक लाइक फ्लफी स्ट्रक्चर विच आर सेम एज मैमल्स बट दे हैव ब्रोल पैरा ब्रॉक्स एंड ब्रांचिंग ऑफ दिज ब्रोंकस विच हैव दिस काइंड ऑफ एंड लार्ज ओपन स्पेसिस इन साइड द लंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन मैमल्स दे हैव बीन डेवलप्ड इन टू Very complex alveoli. So, alveolus, a single alveolus that is made up of squamous epithelium, and it will have air being pumped in, they will get swelled up, and they will be connected with capillaries to which oxygen will be transported, and of course, carbon dioxide will come in that will be expired out.

And at the same time, the air is also partitioned off or filled off in the air chambers. adjoining air sacs, and then due to the pressure change, because uh, once the air is inhaled, there will be a lot of oxygen, and in due course of time, when lot of carbon dioxide will be accumulated, there will be a positive pressure created here for carbon dioxide, which will facilitate the exhalation process. So, in the process of exhalation, there will also be involvement of ribs and rib cage. Ribs or ribcage ka be involvement. Hota hai. So, there are accessory muscles which are helping uh, the lungs in contraction, lungs ko contraction may So that has been an advancement compared to amphibians and reptiles in comparison may have differences. If you talk about reptiles, then the uh, lungs are not very much different. बट दे आर मल्टी चैम्बर्ड इनके जो लंग्स होते हैं वो कई चैम्बर्ड में होते हैं और इनफैक्ट अगर हम कंपेरिजन भी करें तो रेप्टाइल्स में जो लंग्स हैं दे वेरी अक्रॉस द डिफरेंट ग्रुप्स टर्टल्स के जो लंग्स हैं दे आर मच डिफरेंट दैन द लंग्स ऑफ द स्नैक्स एंड क्रोकोडाइल्स बिकॉज द बॉडी और द शेप ऑफ

हमारी बॉडी में या तो नेजल रूट से या माउथ दोनों से किया जा सकता है सो दिस इज द प्राइमरी ऑर्गन थ्रू विच वी ब्रीथ एंड देन द एयर विल इवेंचुअली गो इंग टू दिस पार्ट विच इज प्रोटेक्टेड बाय कार्टलेजनियस सी रिंग्स कार्टिलेज के बने हुए सी रिंग्स होते हैं विच यू कैन फील बाय पुटिंग योर फिंगर ओवर योर एपिग्लॉटिस दिस पार्ट यू कैन फील द सी दिस सो जस्ट बिनीथ दैट देर इज air pipe in which air goes and then that air is distributed evenly into the fluffy organs which are called as lungs so lungs of human being are also subdivided into various chambers sky chambers may divided and this entire trachea branches out into two particular two main branches and then

कोर्स फिजियोलॉजी के लेक्चर्स में देखेंगे जब हम इनके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे सेमेस्टर थ्री के वीडियोस में लेकिन आप सिर्फ इतना यहां पर समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में एक और मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है लंग्स के नीचे जो कि मैमल्स के लिए यूनिक है दैट इज कॉल्ड एज डायफ्राम सो डायफ्राम इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर विच अलोंग विद रिब मसल्स रिपकेच जो है उसकी मदद से ये ऊपर नीचे मूव करता है एंड दैट हेल्प्स दिज लंग्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड रिथ्मेटिकली सो दिस एक्ट्स लाइक अ पम्प जैसे वोकल uh, कॉर्ड्स आप कह सकते हैं या फिर आप फिश uh, में कह सकते हैं कि जो फैरिंग्स है दैट एक्ट्स एज अ पॉजिटिव पंप सो हेयर डायफ्राम इज हेल्पिंग इन द पंपिंग ऑफ एयर एक्टिव पंपिंग ऑफ द एयर विच ब्रिंग्स द एयर इन साइड एंड ऑल्सो अलाउज द एयर टू गो आउट एंड द सेकंड थिंग दैट आई वॉज टेलिंग यू अबाउट पार्शियल प्रेशर इट इज़ बेसिकली द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हम जानते हैं कि एयर में 20% परसेंट ट्वेंटी परसेंट के करीब ऑक्सीजन है और लंग्स में ऑक्सीजन की अमाउंट कम है लेकिन जब हम बॉडी uh, की मेटाबुलाइज की हुई कार्बन डाइऑक्साइड लगातार लंग्स तक भेजते हैं तो यहाँ पर सी का लेवल बढ़ जाता है और सी का लेवल बाहर कम है सो दैट प्रेशर डिफरेंस और पार्शल प्रेशर डिफरेंस विच इज रिप्रेजेंटिंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट ड्राइव्स

हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल में फेरिंग्स का डेवलपमेंट होता है तो वहीं जब फेरिंग्स डेवलप होता है उसी टाइम पर एक मेम्ब्रेनस आउटस्ट्रक्चर्स बनते हैं विच आर कॉल्ड एज लंग प्राइमोडियम एंड उसी लंग प्राइमोडियम से ग्लॉट ट्रैकिया एंड दो छोटे से लोब्यूल्स बनकर बाहर आते हैं एंड दीज लोब्यूल्स इवेंचुअली इमर्ज आउट इंटू द हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज लंग्स तो इस तरह से ऑन्टोलॉजी देखने को मिलती है एंड इफ यू अगेन लुक एट दी फाइलॉजनी अगर हम फाइलोजनी से कंपेयर करें यू कैन फाइंड दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द मोस्ट एंसियंट एंड प्राइमोडियल एयर सैक्स विच आर फाउंड इन फिश जो फिश में एयर सैक मिलते थे लगभग उन्हीं की तरह मिलते जुलते ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अर्ली एम्ब्रियोज में देखने को मिलते हैं सो दैट अगेन कन्फर्म्स द डेवलपमेंटल बायोलॉजी विच इज एसोसिएटिंग विद द फाइलॉजनी नाउ इफ यू लुक एट द शेप्स ऑफ लंग्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स अगर हम अलग अलग ऑर्गन्स के शेप देखें तो हम देखेंगे कि प्रिमिटिव कॉर्डेट्स में जो शेप है लंग्स का वो बहुत ही सिंपल है एंड देन इफ यू मूव टू एम्फीबियंस एंड देन रेप्टाइल्स द कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है एंड इन फ्रॉग यू कैन फाइंड अ वेरी वेल डिफाइंड वेल डेवलप्ड लंग्स विच हैव लोब्यूल्स इन दैम देन इन टर्टल अगेन यू कैन हैव हाईली ब्रांच्ड एंड हाईली वेस्कुलराइज्ड लंग सिस्टम्स विच आर मोस्ट एडवांस ऑफ कोर्स इन द केस ऑफ ह्यूमस तो ह्यूमन के केस में इस तरह से ग्रेजुअली लंग का डेवलपमेंट हुआ और लंग का एडवांसमेंट हुआ तो आपको ध्यान होगा मैंने वीडियो के शुरू में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो कि सुनने में मदद करता है सो देर इज अ स्मॉल ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज वेबेरियन ऑसिकल्स गोल्ड फिश जैसी फिश में एक ऑर्गन होता है जिसको हम वेबेरियन ऑसिकल्स कहते हैं जो कि उनके गिल्स के साथ एसोसिएटेड होता है एंड दैट कैन सेंस द प्रेशर जस्ट लाइक वी हैव इन आर मिडिल ईयर जिस तरह से हमारे ईयर्स के अंदर बोन्स होती हैं और वो बोन्स वाइब्रेट करते हैं जब हम कुछ सुनते हैं अभी भी जब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो सेम फिनोमन इज हैपनिंग द वाइब्रेशंस आर रीचिंग योर ईयर्स एंड योर ईयर बोन्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम वे फिश थ्रू द वेबेरियन ऑसिकल्स दे केन सिक्वेस्टर दैट प्रेशर एंड दे कैन हियर द साउंडस ऑफ द ओशन सो दैट इज ऑफकोर्स अ कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बट मे बी असोसिएटेड विद द हियरिंग सो दैट वॉज ऑल इन दिस वीडियो यही था इस वीडियो में अब तक आई थिंक आपको बेसिक uh, कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे आपको जो टर्म्स हैं एंड कनेक्शन बिटवीन द वेरियस क्लासेज ऑफ वर्टिब्रेट्स स्पेशली पर्टेनिंग टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम ये आपको समझ आया होगा तो क्विकली हम इस चीज़ को समराइज करते हैं हमने बात की रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है उसकी फिजियोलॉजी कैसे काम करती है और फिश से लेकर मैमल्स तक किस तरह के रेस्पिरेटरी डेवलपमेंट्स हुए वी हैव सीन द डिटेल्स ऑफ गिल्स गिल्स कैसे बनते हैं स्ट्रक्चरली कैसे होते हैं और वो कैसे काम करते हैं अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जिनमें गिल्स मिलते हैं वो गिल्स कैसे डिफर करते हैं लाइक गिल्स ऑफ प्रिमिटिव फिश गिल्स ऑफ इलासमोब्रैक्स गिल्स ऑफ टिलोए एंड सम ऑफ द प्रिमिटिव गिल्स विच आर फाउंड इन एम्फीबियंस विच आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल गिल्स ये एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं फाइनली हमने कुछ और वर्टिब्रेट्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम का कम्पेरिजन किया दैट वॉज अबाउट एम्फीबियंस रिप्टल्स बर्ड्स And mammals, and we saw that how mammalian systems they work on a most complicated respiratory mechanism which is aided by a muscular system called diaphragm. If you don't have a hard copy of this book, then the link for the ebook has been given in the description box. I hope you enjoyed this video. If you want to see more videos like this, do subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon for regular updates. Thank you. All rights resolved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.